बाबरी मस्जिद का जिन एक बार फिर बोतल से निकालने की कोशिश हुई है। कल यानी 6 दिसंबर की रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में बाबरी निर्माण के नारे लगे। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने की बरसी पर कल जेएनयू छात्र संगठन ने कैंपस में एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारेबाजी की गई। बस इस मुद्दे पर नई राजनीति शुरू हो गई है। बाबरी ढांचा तैयार करने की बात कही है, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है, कोर्ट की अवमानना है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाबरी को दोबारा बनाने का सपना कोई देखने की गलती ना करे। यहाँ सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो रहते हैं और वो पैदा कर रहे हैं। जिस बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, विवाद की सारी किश्तें खत्म हो गईं। उसी बाबरी पर विवाद का नया अध्याय खोलने की एक कोशिश हुई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर से। रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद निर्माण के नारे लग रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्र संगठनों ने बाबरी मस्जिद विवाद को फिर से आग दिखाई है। बुझ चुकी लौ में घी डालकर फिर से विवाद को धधकाने का प्रयास किया है। बात है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से एकदम एक कॉन्सेंट्रेटेड प्लान तरीके से तोड़ा गया, दूसरा एक मूवमेंट उसके इर्द गिर्द चलाया गया था VHP BJP RSS द्वारा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, और आज के समय पे हम लोग जो स्लोगन सुन रहे हैं कि बात बाबरी तक सिर्फ नहीं है, बात है आने वाले समय में वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि काशी भी है, मथुरा भी है, तो ये एक जो सांप्रदायिक जो माहौल है उसको खराब करने की पूरी पूरी कोशिश फिर से किया जा रहा है। एक स्लोगन दिया गया था, नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ फिर बनाओ फिर बनाओ बाबरी। तो जिस तरीके से जिन भी जगहों का इसमें मेंशन किया गया, दादरी चाहे हो चाहे वो हाशिमपुरा हो, जहाँ पे एक सांप्रदायिक तरीके से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है, और बाबरी में भी जहाँ तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, एक इंजस्टिस वहाँ भी हुआ है, और इसका यही मतलब है कि जो इंजस्टिस हुआ है उसे सही किया जाए, और इसको सही करने का जो एक तरीका होगा वो बाबरी को फिर बनाया जाए। ये JNU से निकली आवाज है, ये नारे JNU में गूंज रहे हैं, और ये वही JNU है जो वैचारिक संघर्ष का बड़ा एपिसेंटर रहा है। राष्ट्रवाद पर राजनीति की नई सीरीज इसी JNU से शुरू हुई, जिसे आप देखते और समझते रहे हैं। अब इसी JNU से छात्र नेताओं की ये नई टुकड़ी बाबरी मस्जिद पर नई मोर्चा बंदी करने में लगे हैं, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव दहलीज पर खड़ा है। BJP ने बाबरी बनाओ इन नारों का फौरन जवाब दिया। न्यायालय का फैसला है, ये न्यायालय पे सवाल। मैं एक बात नहीं समझ पाया आज तक कि हर बार JNU में ही भारत विरोधी, देश विरोधी, आस्था विरोधी, धर्म विरोधी नारे वहीं क्यों लगते। ये JNU कभी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं लगाता है नारे, जहां पर अभी प्रियंता की 70-90% हड्डियां तोड़ दी, उस पाकिस्तान पे नहीं लगाए। कुछ ताकतें हैं जो संविधान से ऊपर मानती, कुछ ताकतें अपने आप को न्यायालय से ऊपर मानती। जब न्यायालय से फैसला हो गया और देश के 130 करोड़ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और एक सौहार्द का माहौल बन गया पूरे देश के अंदर, तब इस तरह के नारे लगाकर JNU में इस तरह की आवाज उठाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं कुछ दल और उसके जो छात्र संगठन है, इन पर पूरी देश की नजर है, उनके नारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबरी विवाद की फांस से देश को मुक्ति मिल जानी चाहिए, ये विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए, यूपी की राजनीति में नए और ठोस मुद्दों की भूमिका बननी चाहिए। लेकिन बाबरी विवाद शायद इतनी जल्दी राजनीति के जहन से जाने वाला नहीं है। लखनऊ में समर्थ श्रीवास्तव के साथ अमरदीप कुमार,
दिल्ली आज तक। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारेबाजी पर सियासी शोर भी तेज हो गया है। एक तरफ जेएनयू को उसी जंग का हिस्सा बताया जा रहा है जो देश के खिलाफ ठहराई जाती है, तो दूसरी तरफ सवाल यह भी लग रहा है कि ये तो नारे है, नारों का क्या। जेएनयू के स्टूडेंट्स ने ये बात कही तो आज उसको डेमोनाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, अलिबरहान कमीशन था। बहरहाल अब अचानक ये क्यों मीडिया में चलाने की कोशिश हो रही है? सिर्फ इसलिए कि ऐसी हुकूमत है जो नहीं चाहती है थाली के छोटे साइज पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, गंगा में तैरती लाशों पे बात हो। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और जो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका वैश्विक दर्शन मठ के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो उनको तो ऐसे मुद्दे चाहिए। तो वह कभी अब्बा जान, कभी डैडी, कभी पापा, कभी भाई जान, जालीदार टोपी। अरे साहब, कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष का ये बयान कि बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाया जाएगा, ये बयान हास्यास्पद तो है लेकिन इनकी विषैली सोच को भी दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस प्रकार के बयान। और जेएनयू में पहले भी आतंकवादियों के समर्थन में, देशद्रोहियों के समर्थन में भारत को तोड़ने के नारे इस प्रकार के लगे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी ना किसी शक्ल में मंदिर मस्जिद का सवाल सुलग ही जाता है। बीजेपी के योद्धा राग मथुरा लाप रहे हैं तो समाजवादी खेमे में आज फिर बाबरी की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क बाबरी मस्जिद पर विवाद का एक नया राग उन्होंने छेड़ दिया है। शफीकुर रहमान बर्क ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया और बाबरी को पीढ़ियों तक न भूलने की बात कही। मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है। इस वक्त यूपी का इलेक्शन है, इलेक्शन में उनके सामने उनके जीत के लिए कोई मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी ने अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ कदम बढ़ाया, राम के बाद कृष्ण पर चुनावी जयकारा लगाया तो समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ी। मुद्दे को मुद्दे से काटने की कोशिश हुई। समाजवादी पार्टी ने धर्म की राजनीति का आरोप लगाया, विकास के मुद्दे से भटक जाने का सवाल उठाया, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी कैसी पेच पर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रही है, ये पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के इस फेसबुक पोस्ट से समझने की कोशिश कीजिए जिसमें लिखा है, बाबरी हमारे सीनों में महफूज है, न हम भूले हैं न हमारी नस्लें भूलेंगी इंशाअल्लाह। बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के ये सांसद महोदय अब भी पुरानी आग में हाथ सेंकने की कोशिश कर रहे हैं। मथुरा का सवाल आता है तो संविधान कानून की दुहाई देते हैं और जब अयोध्या की बारी आती है तो अदालती फैसले पर ही उंगलियां उठा देते हैं। एक हमारे सामने हमारे मुल्क का आईन मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी उस आईन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर। बहुत अफसोस की बात है जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आईन के खिलाफ हुआ है। चुनाव के सिर्फ चुनाव के लिए सब ये काम हो रहा है और इसमें ताकत चूंकि इस वक्त बरसर इख्तदार है, उनके हाथ में ताकत है। सवाल है कि क्या अपनी ही पार्टी के सांसद के ऐसे विचारों से अखिलेश यादव की भी सहमति है? अगर उनकी पार्टी के सांसद धर्म की बुनियाद पर ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं तो फिर बीजेपी की ऐसी ही कोशिशों पर सवाल क्यों? बीजेपी की तो पूरी जोर आजमाइश ही धार्मिक ध्रुवीकरण की है। याद कीजिए प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। सबसे पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना ऐसी धमकी कौन देता था?
या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। इरादा आप समझ सकते हैं। अब तय अखिलेश यादव को करना होगा कि वो किन रास्तों से इस चुनावी अभियान में आगे बढ़ेंगे। जो भी रास्ता वो चुनते हैं, फैसला उनका होगा, तो नफा नुकसान भी उन्हीं का होगा। आज तक ब्यूरो।